नर्मदा जिल्लाना स्टेच्यू ऑफ युनिटीना एकतानगर खाते मळेली भाजपनी राष्ट्रीय एसटी मोर्चानी बैठकमां केन्द्रीय मंत्री विशेश्वर टुंडेए धर्म परिवर्तन करनाराओने एसटी केटेगरीमांथी काढी मूकवानी मांगणी करी हती। स्टेच्यू ऑफ युनिटी खाते भाजपना एसटी मोर्चानी राष्ट्रीय कक्षानी बे दिवसीय चिंतन शिबिरमां देशभरमांथी भाजपना एसटी मोर्चाना होद्देदारो उपस्थित रह्या हता। आ बैठकना समापन समारोहमां केन्द्रीय मंत्री विशेश्वर टुंडेए आदिवासी समाजमांथी अन्य धर्ममां परिवर्तन करनाराओने एसटी केटेगरीमांथी काढी मूकवानी मांगणी करी हती। देखिए, मोर्चा में जो बोला कि ये सब चीज़ों को लेके आदिवासी समाज, ऐसे तो हम देखेंगे कि भारतवर्ष में जब से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और आज तक जो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, विकास का धारा तो शुरू हो गया और अभी चालू है, वो एक मुद्दा है। और बाकी ये मोर्चा सीधे सीधे जनजाति समाज के लिए हमारा सरकार क्या किया है और क्या कर रहा है, इस विषय को लेके हम लोग जाएंगे। देखिए, आदिवासी लोग बहुत इनोसेंट हैं, वो जो आते हैं ये बहुत सारी विषय ऐसे उनका सामने रखते हैं, जैसे कि कहीं पानी नहीं है, सपोज पानी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो जाके बोलते हैं कि हम पानी का सुविधा कर देंगे, तुम हमारा धर्म पे आ जाओ। कहीं मान लीजिए हॉस्पिटल फैसिलिटी का थोड़ा कम है, वहाँ जाके बोल देते हैं कि आ जाओ हमारा धर्म पे आ जाओ, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ऐसे विषय लालच देंगे, लालच दिखा के उन लोग को धर्मांतरण करता है। इसीलिए अभी जनजाति सुरक्षा मंच ने ये देश भर में ये एक मांग किया है कि जो जनजाति समाज धर्मांतरण होके दूसरे जगह पे जाता है, उन लोग को जो एसटी कैटेगरी का जो सुविधा मिलता है उसको कटवा दिया जाए। ये हो जाएगा तो ये जो लालच दिखा के उनको धर्मांतरण करता है ये कभी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो मांग भी हो रहा है, बीच बीच में सांसद लोग ने ये पार्लियामेंट में लाते हैं, फिर भी ये देश भर में सीधे सीधे नीचे से ये मांग हो रहा है। अभी शुरू हुआ है, ये ड्राइव शुरू हुआ है, जिला स्तर पर पूरा एक मेमोरेंडम दिया जाता है राष्ट्रपति को कि ये जो होता है उसको तुरंत बंद किया जाए ताकि ये धर्मांतरण ये बंद हो जाए। बिल्कुल ऐसे तो बातचीत भी हो रहा है, क्योंकि ये जो मैं एक जो वाक्य बोला कि आदिवासी लोग बहुत इनोसेंट है, वो किसी झंझट में नहीं जाते हैं, लेकिन इसका फायदा लेते हुए ये बाहर से जो आते हैं, मान लीजिए कि ये विदेश से भी, ये एक चक्रांत है कि आदिवासी समाज को ऐसे धर्मांतरण कर देंगे, नक्सलाइट में उसको ये कर देंगे, तो ये देश में जो जनजाति समाज का जो यूनिटी है, जो स्ट्रेंथ है, ये कम हो जाएगा। इसीलिए ये लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये धीरे 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 ये जनजाति समाज को मैंने मालूम हो गया कि ये एक षड़यंत्र होता है, इसलिए वो धीरे धीरे फिर वापस आ जाते हैं।